ओके सो हाय गाइस, वस्सा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो को जो है आप काफ़ी थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस इसमें क्या है कि आपको जो दो मॉडल लगाना है आपको अभी इस फोटो में, तो गाइस आपको किस तरीके से लगाना है, रिम लाइट कैसे क्रिएट करनी है गाइस, वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आपसे ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर आगे आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस नई वीडियो को। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से यहां पे अपने मॉडल को लगा देना है, ठीक है? तो पहला मैं इसको थोड़ा सा यहां पे क्रॉप कर लेता हूं। एंड गाइस क्रॉप करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स से आपको जो अपने मॉडल को यहाँ पे रख देना है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको फ्री करना है, आप इरेजर टूल में जाना है एंड हार्डनेस को फुल करके, एंड थोड़ा सा जो आपके जो शूज़ है मतलब यहाँ पे आगे की तरफ आए, तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। मतलब कि गाइस ये जो है एक तरफ की लाइन है गाइस, ठीक है, तो फोटो में, ताकि जो है इसके पीछे ही आपको अपने मॉडल को रखना है। तो इसको पीछे दिखाने के लिए हमने यहाँ पे इसको इरेज किया है। तो आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डन करेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। एंड गाइस उसके बाद हम जाएंगे इस पर फ्लिप रोटेट वाले ऑप्शन पे, जो क्रॉप के नीचे जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे। एंड उसके बाद जो है सबसे लास्ट ऑप्शन हम इसको लेंगे, एंड इसको हम सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर मॉडल को रखा है, एंड इसको भी हम वैसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? फिर इतना कर देने के बाद आपको जो ऊपर वाला मॉडल है उसको लेना है, एंड उसको एक और डुप्लीकेट बनाना है, एंड इसको सेम साइज में रखना है। फिर उसको लेके जाना गाइस आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है ऐसे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको जाना है ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करके इसका अमाउंट जीरो कर देना है, इसको कर देना आपको मर्ज। एंड उसके बाद आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, उसके बाद उसको भी मर्ज कर देना है, एंड जाना आपके यहाँ पे कलराइज में। एंड उसके बाद आपको जो इसका ह्यू चेंज करना है, एंड यहाँ पे ले जाना है इसको रेड कलर में। फिर उसके बाद आपको उसको कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस जाना है ऐसे इरेजर टूल में, एंड ऐसे इसको इन्वर्ट करना है, एंड जो इरेजर में जाकर आपको जो नीचे आ गया एरिया इसको भी इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइज को फुल करना है, हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो के ऊपर कुछ इस टाइप से रिम लाइट क्रिएट करनी है। तो मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, एंड इसको यहाँ पे मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको फ्री करना है, आपको उसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस अगर आपको उसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप इसका डुप्लीकेट कर लेना है, उसके बाद आप उसको ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद आपको दोबारा फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे फिर आपको नीचे वाले मॉडल को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसका भी डुप्लीकेट करना है। एंड इसमें गाइस सेम चीज़ आपको वही करनी है, बस इसमें गाइस जो आपका रिम लाइट है वो बनानी है आपको ब्लू कलर की, तो आपको सेम चीज़ वही करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे हम लाइट ऑन रखेंगे, ठीक है? जिस स्क्रीन नहीं रखेंगे लाइट ऑन रखेंगे, तो हम इसको लाइट ऑन यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस जितना परफेक्ट है, अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हमें ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको हम कुछ स्टेप साइज रखेंगे, एंड उसके बाद इसको मूव डाउन कर देंगे। एंड जाएंगे गाइस यहाँ से हमें रिजर टूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे इसको। इन्वर्ट करने के बाद आपको ब्रश लेना है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, फोटो को यहाँ पे जूम करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करनी शेडो कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो गाइस मैं शेडो को जिस टाइप से बना रहा हूँ, अगर आपको गाइस कोई और तरीका आता है, किसी और मेथड से अगर आपको शेडो बनाना आता है तो आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी अब यहाँ पे कम कर लेते हैं, थोड़ी सी अराउंड रख लेंगे यहाँ पे 20 या 21 तक, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे हम डन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी शेडो भी बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे गाइस, हमें जाना है गाइस अगेन ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना हमें एक पार्टिकल का पीएनजी, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको। एंड इसके बाद आपको फिर करना, आपको यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देना है स्क्रीन, एंड इसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है, एंड उसके बाद जाना है आपको इरेजर टूल में, आपको इरेजर लेना है, एंड उसके बाद जो ऊपर का एरिया है वहाँ से इरेज कर लेना है इसको सिंपली, एंड जो फेस के ऊपर आ रहा है नीचे इसको इरेज करना है, एंड उसके बाद डन करना है। एंड इसकी जो ओपेसिटी है गाइस वो रखना है आप सभी को कम, ठीक है? तो ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेते हैं, एंड इसके बाद कर देते हैं इसको हम डन। अब गाइस हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब हम इसी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटचिंग करनी है हमें, तो वहीं पे करेंगे हम। तो इसको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्लस कर देंगे, एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा माइनस कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे
कम कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जो व्हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, एंड जो ब्लैक है हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे हम ऐसे कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम करना है, एंड आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ठीक है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, आपको जो है इसका ह्यू कम करना है, ठीक है, एंड इसको जाना है ग्रीन कलर में, इसका भी ह्यू आपको बढ़ा देना है, एंड इसको जाना है डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू माइनस करना है एंड सैचुरेशन प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है रेड कलर में, आपको उसका ह्यू जो है यहाँ पे इसको माइनस करना है, जो सैचुरेशन इसको प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। अब गाइस उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है, तो विग्नेट डाल देते हैं हम, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट है जो उसको बढ़ा देना है, एंड जाना है ऐसा आपको गाइस नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोड डायरेक्शन है वो डाल देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड डायरेक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।